हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आप लोग बता दो, 2016 से 2023 के बीच में जितने भी आप लोग के पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उस क्वेश्चन को जो है डिस्कस किया जा रहा है हर एक पार्ट में। बायोलॉजी का बायोलॉजी में, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री में, और फिजिक्स का फिजिक्स में, एग्रीकल्चर का एग्रीकल्चर में डिस्कस किया जा रहा है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। 2016 से 2023 के जितने भी पेपर हुए हैं उसको डिस्कस किए जाएंगे, उनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उसको भी डिस्कस किए जाएंगे। साथ साथ ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो आप लोग इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। एक वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है फिजिक्स वाली, आप लोग जाके देख सकते हैं। उसके नाम से एक प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। और साथ साथ आप लोग बता दूँ, और आप लोग को प्रैक्टिस सेट भी करवाया जा रहा है, तो आप लोग उस वीडियो को भी देखते जाइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहला क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं इसी वीडियो में। पहला क्वेश्चन आप लोग सामने, साथ साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते जाइए। इस प्रकार आप लोग पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी है और तैयारी कैसी चल रही है और कितनी तैयारी हो चुकी है। पहला क्वेश्चन आप लोग सामने है, DDT का पूर्ण रूप क्या होगा, यानी DDT का फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है। इनमें से कौन सा आप लोगों का सही आंसर होगा। आप लोगों को 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उससे ज़्यादा आप लोगों को टाइम नहीं दिया जाएगा आंसर देने के लिए। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। और लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा इन 25 प्रश्नों में से आप लोगों से कितने प्रश्न बनते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को रोक सकते हैं, आप लोग को और ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को रोक के आप लोग आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा डाइक्लोरो डाइफिनल ट्राइक्लोरोमेथेन, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एरोमेटिक यौगिक है, आप लोग को बताना है। आप लोग ABC इसमें दे सकते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, ABC आप लोग दे सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ए वाला, ठीक है। यानी ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, एरोमेटिक यौगिक है, ठीक है। फोर्थ में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे बना हुआ है, और यहाँ पे ऐसे लाइन किसी ऊपर में ध्यान दे सकते, इसमें नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षक संभव नहीं है, जो ऑर्बिट है इनमें से 1p 2f 3f में कौन सा जो है ये नहीं है, मतलब संभव नहीं बनाया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा 1f n 1p n 3f, ठीक है। ऑप्शन डी आप लोग का सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने है, डी बर्गोली का समीकरण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो आप लोग से बनना चाहिए, नहीं बनता है तो आप लोग समझ लीजिए आप लोग की तैयारी बिल्कुल नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क के लिए चलिए दे देते हैं। इसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना, देखते हैं कितने लोग दे पाते हैं, ठीक है। नहीं बनेगा तो अच्छी बात है, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, लेकिन आप लोग अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है, करने की कोशिश कीजिएगा, भले गलत हो। कमेंट बॉक्स में देखते हैं कितने लोग लिखते हैं, नहीं लिखते यहाँ पर टाइम नहीं दे पाएंगे, तो एग्जाम में आप लोग बिल्कुल टाइम नहीं दे पाएंगे, समझ लीजिएगा। इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यदि किसी अवरक्त किरण की तरंग दर 3 × 10⁶ nm है, तो उसकी आवृत्ति क्या होगी, उसकी आवृत्ति, यहाँ पे इसका डायरेक्ट आंसर भी दे दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा 3 × 10⁶ या, ठीक है, यानी ए होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LPG के मुख्य घटक यानी अवयव कौन कौन से हैं, LPG के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं, आप लोगों को बताना है। ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन, क्या होगा, ब्यूटेन यानी आइसोब्यूटेन, यानी ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। और साथ साथ एक क्वेश्चन और पूछते हैं, एक क्वेश्चन आप लोग का आंसर होगा इसका, LPG का आप लोग को फुल फॉर्म बताना है। LPG का जो है फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO प्रदूषक का प्रमुख स्रोत क्या है, CO प्रदूषक का प्रमुख स्रोत आप लोग को बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा, मृदा सूक्ष्मजीव आप लोग का सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HBr में प्रति मार्कोनी काफ का योग नहीं पाया जाता है,
इसका सही आंसर क्या होगा? ब्यूट टू इन में, ठीक है, ऑप्शन आप लोग का फोर्थ आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हेडरसन समीकरण के अनुसार किस अम्ल बफर में पीएच मान होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हेडरसन समीकरण आई होप सभी लोगों से बनता होगा। हेडरसन समीकरण के अनुसार किस अम्ल के बफर के पीएच का मान होगा? क्या हुआ राइट आंसर? आई होप आप लोग निकाल लेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? ए और ए तो बिल्कुल नहीं होंगे। अब इनमें से बता दीजिए, सेकेंड और फोर्थ थर्ड ऑप्शन में से बता दीजिए कौन सा होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बहुत लोग आंसर सही बताए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिक में से किस में ज्यामिति समावायता पाई जाती है? ज्यामिति समावायता पाई जाती है C2, क्या होगा? CH2, COOH, होल ट्वाइस, यानी ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे निम्न पीएच मान किसका होगा? पीएच वैल्यू सबसे कम किसकी होगी, लोवेस्ट? मोनियम H2SO4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में मुख्य बफर उपस्थित होता है? मानव रक्त में मुख्य बफर उपस्थित होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? H2CO3 प्लस HCO3, मतलब ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्राइड आयन में नाइट्रोजन परमाणु पर औपचारिक आवेश क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को करना है। देखते हैं कितने लोग क्वेश्चन बनता है, और आप लोग जरूर बताइएगा अटेम्प्ट करने के बाद आप लोगों से कितने क्वेश्चन बने। इसका सही आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्टर्ड गैस का IUPAC नाम क्या है? क्या है IUPAC नाम क्या होगा, आप लोग बताओ मुझे। मस्टर्ड गैस का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होंगे? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग अटेम्प्ट करके, यानी सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क के लिए है। वीडियो को रोक लीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ RNA में नहीं पाया जाता है? RAN में नहीं पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा थायमिन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, क्या होगा जब संतृप्त यानी HCl विलय में HCl गैस प्रवाहित की जाएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को बनना चाहिए। इसका सही हो जाएगा NaCl जो है अवक्षेपित हो जाएगी। क्या होगा? NaCl जो है अवक्षेपित हो जाएगी, यानी ऑप्शन ए आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साबुन है, साबुन क्या है? आई होप सभी लोग बता देंगे इसका आंसर। देते हैं, चलिए 10 सेकंड का आप लोगों को टाइम देते हैं। साबुन क्या है बताइए, क्या है? वसी अम्ल के लवण है, यानी ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर होगा। क्या होगा? वसी अम्ल के लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें अवशोषित होती हैं? कितने परतें होती हैं? एक परत होती है, यानी ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग बता दो, ये 25 क्वेश्चन है, आप लोग को इसमें से कितने क्वेश्चन बने कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और जो भी आप लोग को लगता है इस सब्जेक्ट में आप लोग वीक है, उसमें प्रैक्टिस सेट के लिए कुछ क्वेश्चन और चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और टेलीग्राम से जुड़ जाइए आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ पर आप लोगों को ग्रुप के लिए एक ग्रुप भी बना दिया डिस्कशन के लिए, आप लोग वहाँ से जुड़ के ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। और मेन चैनल से भी आप लोग S Academy 99 से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।